नवरात्र में पुणे का एक पंडाल अपनी सजावट और अंदाज की वजह से सुर्खियों में है। माँ दुर्गा के इस पंडाल को राम मंदिर की शक्ल दी गई है। आयोजकों का ये दावा है कि ये अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति है। पुणे में राम मंदिर का नजारा, राम मंदिर की शक्ल में दुर्गा पंडाल। अयोध्या में राम मंदिर का मसला भले ही कोर्ट में हो, लेकिन पुणे में एक दुर्गा पंडाल को भव्य राम मंदिर की शक्ल दे दी गई है। 60 फीट ऊंचे मंदिर की आकृति का ये पंडाल पुणे में आकर्षण का केंद्र बना है। इस राम मंदिर पंडाल को देखने और इसमें विराजी माँ के दर्शन करने भक्तों का जमावड़ा लगा है, क्योंकि ये जो भी आप देख सकते हो, जो भी बनाया गया है ना, वो लग ही नहीं रहा कि आर्टिफिशियल है, बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि वही सच्ची, मतलब सच्ची का मैं अयोध्या और राम मंदिर में ही हूँ। राम मंदिर वाला ये पंडाल पुणे में डिफेंस की जमीन पर बना है। कोलकाता के 14 कारीगरों ने इसे 3 महीने में बनाया है। आयोजकों का दावा है कि माँ दुर्गा के इस खास पंडाल को बनाते समय भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है और कानून का भी। अयोध्या में जो चल रहा है वो मंदिर का इशू नहीं है, लैंड का इशू है। तो हमने जो डिफेंस ये किया, बोला ये तो मंदिर है और ये तो मिस एक ये डेकोरेशन है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा है कि बहुत साल से देश में एक इशू था राम मंदिर लेके, तो लोगों का सब पॉजिटिव भावना था कि करना है राम मंदिर, तो इसलिए हमने इस साल प्रपोज राम मंदिर जो होने वाला नहीं हुआ है वो हम किए हैं अभी। नवरात्र में हर साल ये आयोजन समिति दुर्गा पंडाल को अलग अलग मंदिरों का रूप देती है, लेकिन इस बार जिस तरह यहाँ अयोध्या के राम मंदिर की झांकी दिखाई गई है, उससे ये काफी चर्चा में भी है और यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। पुणे से मोहन दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।